इमाम जी जब आप पढ़ते हैं ना, अज़वाजुल मुतहरात जो हमारी माएँ हैं, अल्लाह ताला उनको जो है हुक्म दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दें कि जब कोई उनसे सवाल या बातचीत करने के लिए आए ना, लेट देम यू नो कीप देयर टोन, अपनी जो अपनी आवाज़ जो है ना ज़रा यानी ऐसे लेवल पे मेंटेन रखें कि अगर सुनने वाला जो बंदा सवाल करने के लिए आए ना, उसके दिल में कोई डिजायर क्लिक ना कर जाए, अगर उसके दिल में कोई मर्ज है ना, तो वो मर्ज लेकर है, यानी वो लिमिट कहाँ लगाई है, आवाज पे, आवाज पे, यानी सिर्फ आवाज जो है, इट मींस कि आवाज जो यानी एक यू नो जो एक खातून की आवाज होती है, इट हैज अट्रैक्शन, और ये किसको दी जा रही है यानी इंस्ट्रक्शन, तो सुभान प्योरेस्ट ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, तो ये अब आज के लिए हमारे लिए ये है यार, असल में हमें लॉजिकल ग्राउंड्स इसलिए यूज करने पड़े, अफसोस की बात है कि हम लॉजिकल ग्राउंड्स तक आ गए, असल में तो ये होना चाहिए था कि जो अल्लाह के नबी ने कह दिया और अल्लाह ने कह दिया वो खत्म, तो शायद अफरीदी ने जो अपनी बेटी जो उसने अल्लाह ने उसको दी है उसके बारे में डिसीजन लिया कि मैं इसको क्रिकेटर नहीं बनाऊंगा, यानी वो खुद भी नहीं चाहती थी, ठीक है, तो लोग पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई यार, अरे अपना बाप, ये लिबरल्स जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड चॉइस, बाप अपनी बेटी के बारे में ये अगर डिसीजन ले रहा है और बेटी खुद भी ही है, तो क्या सुभान अल्लाह आप पीछे पड़ जाओ इसके, कि ये कितनी अजीब सी बात है। मैं सोचता हूँ ना, वो जो सहाबा का वाकया था ना कि अल्लाह के मुसल्लम बैठे हुए थे और उनके जो पिंडलियाँ थी वो एक्सपोज थी और कपड़ा नहीं था, अबू बकर आए, उमर आए, तो आपने उनको नहीं ढांका रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, जब उस्मान बिन अफ़ान आए तो आपने उनको ढांक लिया। आयशा ये मंजर देख रही थी, जो बाद में पूछा था कि या रसूलल्लाह आपने ऐसे क्यों किया, उन्होंने कहा अल्लाह तस्तही मिन रजुलिन यस्तही मिनल मलाइका, या अल्लाह अस्तही मिन रजुलिन यस्तही मिनल मलाइका, मैं उस नौजवान से उस मर्द से हया ना करूँ जिसे आसमान के मलाइका हया करते हैं, यानी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान के आने पर हया को शो करें और ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। यानी हाउ इम्पोर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हया, आपने हया की बात की ना, हया और ईमान को साथ साथ करार दिया कि अगर आप इस थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, यू नो मतलब ऐसे एक्ट करने से जिनसे आपकी हया कम होती है, यू लूज दिस ईमान, दिस ईमान इन अल्लाह सुभान व तआला एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू लूज दिस जस्ट बाय बीइंग फुहुश फाइल माशा, बिल्कुल, अगर हया नहीं है तो जो तुम्हारे दिल में तुम करो। आप देखे ना, अगर फातिमा की अगर बात की जाए, सैयदतुन निसाल जन्ना यानी सरदार हैं जन्नत की ख्वातीन की, वो कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ ना, मुझे गुसल और जनाजा रात के वक्त करना कि ताकि मैं मेरा बॉडी जो है ना एक्सपोज ना हो के मुझे देखें।